मध्य प्रदेश के गुना में युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले मोहम्मद अयान पठान के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। दरअसल गुना में बीते दिनों झिझोड़ कर रख देने वाला मामला प्रकाश में आया, जहां अयान पठान नाम के युवक ने 23 साल की युवती के साथ एक महीने तक टॉर्चर किया और इतना ही नहीं बल्कि जहां चोट के निशान थे वहां मिर्च पाउडर तक डाल दिया। युवती ने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने झाड़ू के पिछले हिस्से से उसकी आंखों पर वार किया था, जिससे उसकी आंख में गहरी चोट आई थी। युवती को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। उसे एक आंख से दिखना एकदम बंद हो गया है, वहीं दूसरी आंख से भी धुंधला दिख रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि आंख की रोशनी बचाने के मात्र 10% चांसेस हैं। आरोपी ने एक महीने तक युवती का शारीरिक शोषण करने के साथ ही उसे बेल्ट और पाइप से पीटा भी, और हद तो तब पार हो गई जब उसने युवती का मुंह बंद करने के लिए उसके होठों को फेविक्विक से चिपका दिया। पूरा मामला प्रकाश में तब आया जब युवती किसी तरह से भाग कर 5 किलोमीटर दूर एक पुलिस कंटोनमेंट में जा पहुंची। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस युवती को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके होंठ सील थे, आंखें सूजी हुई थी और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। खबरों की माने तो आरोपी युवक और पीड़ित युवती लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों पड़ोसी हैं। आउटलुक के मुताबिक युवती ने बताया कि उसे जबरदस्ती एक महीने पहले खींचकर आरोपी अपने घर ले गया और तब से उसे वहीं बंद करके रखा गया था। उसे कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। इस दौरान वो लगातार युवती का शोषण करता रहा। आरोपी युवती पर शादी करने और अपनी पूरी जायदाद उसके नाम करने का दबाव बना रहा था। युवती अपनी माँ के साथ गुना में रहती है, पिता की मौत हो चुकी है। जब ये सब हुआ तब युवती की मां शिवपुरी गई हुई थी। मां ने आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। आरोपी के ऊपर आईपीसी की धारा 376 रेप, 294 अश्लील भाषा और 323 जानबूझकर चोट पहुंचाने, इन सब के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई थी तब वो 2 शराब की कैन में 60 लीटर शराब लेकर जाते हुए पकड़ा गया था, इसलिए आबकारी एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया है। मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पत्र लिखते हुए 19 तारीख को सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। फिलहाल कार्रवाई हो रही है, जिसके अंतर्गत आरोपी के घर में बुलडोजर चलाया गया है। इसी तरह के और कंटेंट के लिए बने रहिए शब्दसाची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।